कुछ भक्तों का दल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा की तरफ जाते हैं। वे जैसे ही अमरनाथ गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो उनके सामने जो नज़ारा था उसे देखकर उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उनके सामने जो दिख रहा था उसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनके सामने साक्षात भगवान गणेश जी प्रकट हुए थे। वे भगवान गणेश के सामने नतमस्तक हुए और उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ये तस्वीर देखते ही सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आखिर ये कैसे हुआ और लोग ये क्यों कह रहे हैं कि पहले कभी भी किसी ने ये नज़ारा अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी ने यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में बाबा बर्फानी की जय जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं, और कैलाश को जो जाता है वो मोक्ष पाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले पहल श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसीलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक यानी तोता और 2 कबूतरों ने सुन लिया था। ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतर का एक जोड़ा दिखता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के बाद से अमरनाथ यात्रा करीबन 2 साल के लिए बंद हो चुकी थी। फिर जाकर 2022 में ये यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ भक्त ऐसे हैं जो पहले ही अमरनाथ गुफा की तरफ पहुंच गए थे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने जो नज़ारा देखा उसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पर अमरनाथ गुफा की तस्वीर देखने के बाद भक्तों की आस्था और भी बढ़ गई और हिंदू विरोधी वर्गों के तोते उड़ गए। दोस्तों, सामने जो आप बाबा बर्फानी की तस्वीर देख रहे हैं वो 2022 की पहली तस्वीर है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई बाबा की तस्वीर के बारे में जानकारी मिली है कि कुछ शिव भक्त अप्रैल से पहले हफ्ते ही अमरनाथ गुफा जाकर दर्शन कराए हैं। उनका कहना है कि अभी भी काफ़ी बर्फ मौजूद है। उनका कहना है कि बाबा की आकृति इस साल काफ़ी बड़ी है, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा काफ़ी चर्चे में है? दरअसल इस बार बाबा बर्फानी के ठीक पास में जीवन में पहली बार भगवान गणेश जी ने बर्फ़ के पिंडी के रूप में दर्शन दिए हैं। ये नज़ारा देखने में इतना अद्भुत है जिसे जितना भी देखो मन कभी नहीं भरेगा। जब भक्तों ने इस पिंडी रूपी भगवान गणेश जी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो देखने वाले लोग देखते रह गए। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा शिव परिवार इस बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने संपूर्ण रूप में अमरनाथ गुफा में उपस्थित है। यात्रा के लिए तैयारियां अप्रैल के महीने से शुरू की गई है और रास्ते पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। इस साल की अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक होगी और करीबन 6 से 8 लाख तीर्थयात्री के आने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप भी भोले के भक्त हैं और आपके पास समय के साथ साथ भगवान शिव में आस्था और विश्वास है तो अमरनाथ की यात्रा जरूर कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक और अन्य कई जानकारियाँ हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।